बॉम्बे में मैंने 27 साल स्ट्रगल की मोहम्मद रफ़ी साहब किशोर कुमार साहब के साथ 17 साल मैंने उनके असिस्टेंट बन के काम किया और एक तमन्ना थी कि शायद इतने बड़े बड़े सिंगरों के साथ मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है मेरा कुछ होगा लेकिन 27 साल तक मैं वो आस छोड़ बैठा था और मुझे लग रहा था कि अगर मेरे घर वाले गलती से कह दें अक्सर मेरी माँ और पिताजी बोलते थे कि अगर कुछ नहीं होता तो बेटा चले आओ उन्हीं दिनों एक ऐसा गीत मुझे लिखने के लिए मिला और वो गीत सलमान खान साहब ने हिमेश रेशमिया जी को दिया और उन्होंने मुझे दिया रात को 3 बजे देखिए किस्मत कब कैसे और पलटती है जब वो गाना हमने बनाया तो हिमेश रेशमिया ने कहा कि सर हम दोनों की ज़िंदगी बदल सकती है अगर इस गाने को कुमार शानू गाए मैंने कहा हिमेश शानूदा ज़रूर गाएंगे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है शानूदा ने उससे पहले मेरे एक दो गीत गाए भी थे लेकिन बहुत ज़्यादा मेरा परिचय नहीं था लेकिन मैंने अपनी हिम्मत से ये सोच लिया कि क्यों नहीं गाएंगे मैं गवाऊंगा उनसे और एक दिन मैं शानूदा के घर चला गया शानूदा तबीयत के राजा हैं और मैं समझता हूँ मैंने मन्ना डे किशोरदा मोहम्मद रफ़ी साहब तलत महमूद साहब जितने भी उस पंक्ति से लेके और अभी लेटेस्ट शिल्पा राव ने मेरा एक गाना गाया इस बच्ची तक आते आते मैंने जितने भी सिंगर देखे उन लोगों में ख़ास अदा है शानूदा का एक मूड है मिजाज है तो मैं डरते डरते गया और मैंने कहा शानूदा मेरा एक गाना गाना आपको बोला तेरा गाना मैंने कहा हाँ हमें एक पिक्चर मिली है और आपको ये गाना गाना है अरे बोले टाइम नहीं है यार तू गाना वाना अभी मेरा नदीम श्रवण का रिकॉर्डिंग है हमने कहा दादा नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग रोज होती है लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग आज होगी और ये गाना आप गाएंगे पता नहीं दादा को क्या सूझा बोले ठीक है गा दूंगा कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है हमने कहा नया लड़का है अरे यार कहाँ नए के चक्कर में पड़ते हो हमने कहा दादा पुराना कोई काम देता नहीं और नया काम दे रहा है आप आओगे तो वो भी पुराना हो जाएगा खैर ये बात पूरी हुई दादा ने हाँ कर ली और हिमेश को मैंने वहीं से फ़ोन किया कि दादा तैयार हैं जब दादा तैयार हुए तो उसने दूसरी शर्त रखी कि अब इनके साथ अलका याग्निक आ जाए तो बहुत मज़ा आएगा अलका याग्निक को लाने के लिए मैंने सोचा अब क्या किया जाए एक ही बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति और अलका जी रहती थी तो मैंने ट्राई किया मैंने कविता कृष्णमूर्ति जी के यहाँ इंटरकॉम किया और परमिशन ले ली ऊपर जाने की और सीधा अलका जी के पास चला गया और उनको कहा कि आपको एक गाना गाना है तो बोले कौन म्यूज़िक डायरेक्टर हमने कहा नया लड़का है लेकिन शानूदा गा रहे हैं तो हंसने लगे बोले मर शानूदा गा रहे हैं ये क्या उन्होंने कहा शानूदा गा रहे हैं उनके साथ आपको गाना है तो उन्होंने कहा मैं एक महीने तक गाना नहीं गा सकती और हमको वो फिल्म मिली थी सिर्फ 3 दिन थे हमारे पास कि अगर 3 दिन में वो गाना रिकॉर्ड होगा तो ही वो गाना लगेगा अदरवाइज पिक्चर कंप्लीट है मैंने कहा अलका जी अगर आप गा देंगी तो हमारा कैरियर शुरू हो जाएगा मेरा तो खैर एंड होने पे आया अब तक मेरा कुछ नहीं हुआ पता नहीं आगे क्या होगा लेकिन वो बच्चा बहुत आगे निकलेगा उसने कुछ सीरियल बनाए हैं उसमें काम उसने गाने बनाए हैं और बहुत हिट हुए हैं कहने लगी मुझे ट्यून सुनाओ मैंने कैसेट निकाला बोला इसको अभी लगाओ और सुन लो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अगले हफ्ते गा दूँगी मेरा गाना जो है अभी तो मुश्किल है मैंने उनसे बात पता की और मैंने कहा कि आप परसों किसका गाना गा रही हैं तो देखिए पीठ पीछे मैं एक बात बता रहा हूँ मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता हूँ शायद इसीलिए पीछे हूँ कोई बात नहीं मैंने कहा कि आप बताइए कि आप किसका गाना गा रही हैं तो उन्होंने कहा मैं नदीम श्रवण का गा रही हूँ मैं सीधा सनी पहुँचा और मैंने जैसे ही नदीम श्रवण के गया तो दोनों ने मुझे बहुत प्यार करते थे श्रवण भाई बाहर आए बोलो 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 भाई क्या बात है मैंने कहा जिंदगी में एक काम कर दो यार बोले सर करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कुछ मजबूरी है बोलिए मैंने कहा मुझे सिर्फ
एक गाने के लिए अलका जी करवा दो, परसों मेरी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने उसी वक्त अलका जी को फ़ोन किया और क्या बात हुई मालूम नहीं, मेरा गाना हो गया। गाना कुमार शानू ने और अलका याग्निक ने जब गाया, उस वक्त हम, मैं और हिमेश ये सोच रहे थे कि हमने जो सोचा था वो कर लिया, अब ऊपर वाला जाने। वो गाना था ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, और इस गाने से मैं इस मंच तक आया, यहाँ तक आया, और चलते चलते फिर फिल्म फेयर का वो मुकाम आया कि इसी तरीके से मुझे उदित जी के पास जाना पड़ा। हमने कहा उदित जी एक गाना बहुत खूबसूरत बना है, वो आप गाएंगे तो मज़ा आएगा। उदित जी गाना गाने के लिए तैयार हुए, गाना जब गा के आए तो उन्होंने कहा कि वाकई में गाना बहुत अच्छा है और ये गाना मुझे फिल्म फेयर के उस फंक्शन तक लेके गया। तो जो मैंने दो की बात कही थी बॉम्बे में, शानुदा उदित जी दोनों मेरे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे मित्र हैं, ऐसे बड़े हैं कि अब बम्बई में मेरी कोई आरजू ऐसी बाकी नहीं जिसके लिए मुझे पश्चाताप हो। जो चल रहा है वो अच्छा। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।